देवेंद्र बबली, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मंत्रियों के विभागों में भ्रष्टाचार फैल रहा है ऐसे तो भाई पकड़ के रोक लो। हाँ जी, बोलने से क्या होता है, किसी के बोलने से जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, उसके विरुद्ध एक्शन नहीं लोगे, तब तक ये चीज़ रुकेगी नहीं। दिन प्रतिदिन डिजिटलाइजेशन का उपयोग कर कर निरंतर इस चीज़ को कम किया है, और पिछले 2.5 सालों में हमारा प्रयास रहा है। आज मैं आपसे एक चीज़ साझी करता हूँ कि आपने पटवार खाने से अपना इंतकाल निकालना था, पटवारी के कानूगों के चक्कर काटते हुए आप थक जाते थे, आजकल एक मिनट पर जो हमारी jamabandi.nic.in है आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं निकाल सकते, अपने आप बंद हो गया, दरवाजे बंद होंगे तभी जाके ये चीज़ें बंद होगी। और मेरा तो प्रयास रहा है, चाहे फसल खराबे की बात हो, हमने तो उसके लिए भी पटवारी को कम पावरफुल कर दिया। आज किसान खुद अपने खेत की फ़ोटो GPS लोकेशन के साथ अपलोड कर सकते हैं, फिर पटवारी जाके वेरीफाई करेगा, और फिर ये अगर वो लिखता है कि इसमें 25% हुआ है, 50% हुआ है, तो किसान को ईमेल करके उसके मोबाइल पे मैसेज करके हम बताएंगे। ये तकनीकी जब चीज़ें आएंगी तो अपने आप ये जो गड़बड़े थी ये बंद हो। भाई अब तालियों की घटना रुकनी नहीं चाहिए, आपका समय आ चुका है, भाई दोनों हाथों को खोल के ताली बजाएं। श्रीमान बलवान सुहाग जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, एक बार जोरदार तालियों।